जय श्री राम। बोलो तो जय श्री राम। हम भी बोल रहे हैं ना, हमको भगवान हमारे का है नहीं, घर में जप लो ना, भगवान को याद सब कोई करता है। कि मीडिया पे आके जय श्री राम, भारत में रह रहे हो तो जय श्री राम नहीं बोल सकते क्या? इनसे भी आपने बोला कि हिंदुस्तान में रहोगे तो जय श्री राम बोलोगे, तो संविधान में कहीं लिखा है क्या ये कि जय श्री राम बोलेंगे? अब दूसरे धर्म का आगा वो कहेगा अल्लाह अकबर बोलो तो आप बोलोगे क्या? हम क्यों बोलेंगे फिर? दूसरा क्यों बोला आपका जय श्री राम? जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है ऐसा होता है कभी? अच्छा आप पाकिस्तान की जिम्मेदारी लोगे? ये आपके भाई हैं या पाकिस्तानी आपके भाई हैं? मैं एक बात कहता हूँ, हिंदुस्तान का हिंदू सबसे ज्यादा गद्दार है। क्या एकता नहीं इनमें, हिंदुओं में एकता नहीं? बाबा ने करा है, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा इतनी महंगाई हो रही है, बाबा खाने को दे रहा है, इनके लिए बाबा ने विकास कर दिया। मंदिर बनवाने का मतलब क्या हो गया भाई? विकास क्या, भिखारी बढ़ा दिया बाबा ने तुम्हारे। हम अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त नहीं है। बाप जो करता ना बेटे के लिए अच्छा करता है, बाप जो करता ना बेटा अच्छा करता है। गवर्नमेंट बाप है, मोदी जी बाप है। आप कह रहे कि मोदी जी बाप है, ये कौन सी भाई? गवर्नमेंट बाप ही होता, बाप होता। अरे कौन चला रहा है? एक मिनट, महाराज होता है देश का, कौन होता? राजा ही होता है, राजा का हम बच्चे हैं। फिर तो आप गलत काम किए, आप सवाल भी नहीं कर सकते। फिर तो क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं होते? बाप जब गलत कर ही नहीं है तो सवाल कैसे पूछेंगे? कहाँ से आ रहे हैं? हमारे सेक्टर 64 से। काम धंधा सब ठीक? हाँ सब सही है, बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। सैलरी वैलरी सब ठीक टाइम पे आ रही है? सब सब टाइम पे आ रही है। अच्छा, कह रहे हैं कि जॉब नहीं है सरकार में है? देखो ऐसा है, हाँ। सरकार का किसी का दोष नहीं है, कोई भी आदमी हो, हम हो, आप हो, कोई भी सरकार हो, कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि हमारी बुराई हो जाए। और मेरी जो कहो तो मेरा 1995 में वोट बना है, और 1995 से लेकर अभी तक हमारा सपा में वोट गया है और सपा में ही जाएगा। जैसी वजह जब तक जिंदा है तब। क्या मेरी कसम खाली? मेरी पार्टी है, हम इटावा के रहने वाले यादव, हम यादव जात के। मेरी पार्टी है। पार्टी है, बिल्कुल मेरी पार्टी है। किसी योगी सरकार सही नहीं है? सब सही है। तो फिर आप सपा को क्यों वोट दे रहे हो योगी? देखो वो तो हमारी पार्टी है, हमारी बनाई हुई पार्टी है, हमारे पुरखों की पार्टी है, तो वो तो उसमें अच्छा करें या गलत, अच्छा करें या गलत करें, हारे या जीते, कुछ भी हो। क्या कह रहे हो? जय श्री राम। बोलो तो जय श्री राम। हम भी बोल रहे हैं ना, हमको भगवान हमारे का है नहीं, जय श्री राम भी है, जय श्री कृष्णा भी है, भगवान सबके है, कौन कहता है हमारे भगवान नहीं है? जय श्री राम के ही नाम से जीतोगे क्या? वैसे नहीं जीतोगे। तो वो बुलवा रहे हैं, ये थोड़ी बोल रहा है। वो तो कह रहे हैं ना, इनमें दम नहीं है। अच्छा जय श्री राम बुरा नाम है? नहीं, जय श्री राम अच्छा है। घर में जप लो ना, भगवान को याद सब कोई करता है। ये मीडिया पे आके जय श्री राम, भारत में रह रहे हो तो जय श्री राम नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते। हमने कब मना किया है? जरूरी है। जय श्री राम बोलो। देखो अगर ये कुछ और बोलना चाहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी? नहीं, वही था तुम्हारा मुलायम सिंह, वही मुलायम सिंह था तुम बाबा मार दी दुनिया भर के। क्या मार दी? बाबा मारे थे जो। देखो ऐसा है, कोई किसी को नहीं मारता है, अपने अपने कर्मों से मरते हैं। जब जब फैसला अदालत में पड़ा था तो अदालत का फैसला क्यों नहीं होने दिया? क्यों लड़ाई में लड़ गए जाके? ओ फिर ठीक है, मेरी बात, आप मेरी बात सुन ली। हजार साल हो गई हो, आप भी के फैसले से ना। तो क्रांति रथ किसका था? क्रांति रथ कौन सवार थे? क्रांति रथ किसका था? क्रांति रथ कौन सवार थे? पहले भी ऐसे नहीं बोला। आप बुलवा रहे हैं क्यों? बुलवा रहे हैं बोलने में? अरे हिंदुस्तान भारत में रहेगा, नहीं बोलोगे? आप एक बार बोलो, जरूरी है। हिंदुस्तान या भारत है? अच्छा हिंदुस्तान नहीं है, भारत है। भारत है क्यों? भारत क्योंकि हम हिंदू है। अच्छा हिंदू है तो फिर हम अपनी संस्कृति जानते हैं। हम विदेश उस पर क्यों चले? भारत कैसे बना? भारत कैसे बना तुम बताओ? भारत कैसे बना तुम बताओ ना? तुम हिंदू हो, हम हिंदू है, बताओ कैसे बना भारत? हिंदुस्तानी है। संविधान किन्ने बनाया है? अब संविधान पे कहाँ पहुँच रहे हैं? संविधान से ही तो चल रहा देश, संविधान से ही देश चल रहा है। संविधान तो अंग्रेज ने बनाया था। जय श्री राम, अंग्रेज ने बनाया था तो वो सोच लो।
वही सोच लो ना। ना मेरी बात सुन, मेरा सब जवाब है तो हिंदू जिंदा है। कौन है? हम हिंदू नहीं है। अच्छा कौन है? हम हिंदू नहीं है। रुकिए ना, कौन है? सुनिए सुनिए, कौन है तो हिंदू जिंदा है। 26 में जो है मोदी जी की मतलब उम्र हो जाएगी और छब हमका और भी बढ़, अगर बढ़ जाएगी तो और 2 साल बढ़ जाएगी, तो उसके बाद क्या हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा? बाबा आएगा अगला, सही क्या बताइए, कौन आ रहा है बता दो। अगला तो मोदी है, मोदी है, मोदी ने 47 तक लिख दिया है, तुम्हें पता क्या? चंद शेखर आजाद आ रहा है, चंद शेखर आजाद आ रहा है अगले साल में 24 में चंद शेखर आजाद आ रहा है। रावण कहते हैं उससे, रावण कहते हैं उससे, रावण। मेरी जिंदगी गुजर गई चुनाव लड़ते रहते। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, सुन ले लो, जो अटल बिहारी वाजपेयी कर गए ना सर, वो मैं हिंदुस्तान नहीं बोला, भारत बोला हूँ। भारत में, भारत में तो वो लिखा है संविधान में कहीं। अब दूसरे धर्म का आगा वो कहेगा अल्लाह अकबर बोलो तो आप बोलोगे क्या? हम क्यों बोलेंगे फिर? दूसरा क्यों बोले आपका जय श्री राम? अपनी मर्जी से चाहे 10 बार बोले। ये मेरी बात सुनो, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है ऐसा होता है कभी? अच्छा आप पाकिस्तान की जिम्मेदारी लोगे? ये आपके भाई हैं या पाकिस्तानी आपके भाई हैं? मैं एक बात कहता हूँ, हिंदुस्तान का हिंदू सबसे ज्यादा गद्दार है। क्या एकता नहीं इनमें, हिंदुओं में एकता नहीं है? हिंदू आप ही लोग हैं, हमारे आपके हाथ की 5 अंगुलियां बराबर नहीं है। हिंदुओं में एकता क्यों नहीं है? हिंदू खुद एक दूसरे से जुड़ा जा रहा है। मैं फरकाबाद का रहने वाला हूँ, तो एकता क्यों नहीं है? क्यों लग रहा है आपको? एकता नहीं है सब में, हमारे आपके दांत भी 32 है वो भी बराबर। एक बार बताओ मेरी बात देंगे तभी। ये महागठबंधन चल रहा है किसके लिए चल रहा है? इसके लिए है 40 पार्टियों से हम और आप दिन भर कमाते किसके लिए कमाते हो? पेट भरने के लिए। अगर पेट नहीं है तो क्यों कमाओगे? इनकी सरकार पलटने दो, ये भी चोर दिखाई देंगे, ये भी दिखाई देंगे गारंटी से। क्या बात कर रहे हो यार? जो बाबा ने करा वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा करा है, क्या करा है? इनके हमें दस काम है। क्या करा बाबा ने? जितने जितने माफिया, जितने माफिया है सब साले जेल में। और दूसरा काम कौन सा किया? और क्या किया? तुम्हारा पेमेंट किसने बढ़ाया? ग्रेड किसने बढ़ाया बताइए हमको? बाबा यहाँ तुम्हें खाने को दे रहा था, 10,000 की नौकरी कर रहे हो, 1,000 रुपया बढ़ाया था। इतनी महंगाई हो रही है, बाबा खाने को दे रहा है? रोज चावल राशन ले रहे हो? बाबा ने सुनो, एक मिनट, बाबा ने एक मंदिर बनवा दिया, बाबा ने केवल एक राम मंदिर बनवा दिया, इनके लिए बाबा ने विकास कर दिया। मंदिर बनवाने का मतलब क्या हो गया भाई? विकास क्या? भिखारी बढ़ा दिया बाबा ने तुम्हारे। कोई सरकारी अस्पताल बनवाया? कोई सरकारी अस्पताल बनवाया? इससे पहले पता है तुम BMW में चलते थे? कौन तुम? तुम BMW में पता है? और मैंने देखा भी आपको, इसके बाद जो है ना आपका BMW 2014 में, या 10 की बात कर रहा हूँ, 11,000 रुपए सैलरी था, अभी 20,000 रुपए कमा रहा हूँ बाबा की बदौलत से। अरे बाबा की बदौलत, बाबा सुन भाई। और क्या यार, जब तुम महंगाई बता रहे तो आमदनी भी तो बता। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, महंगाई 400 रुपए दिहाड़ी में बंदा क्या कमाएगा, क्या खाएगा और क्या किराया देगा, क्या अपने आगे के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बचाएगा? हैं बाबा, यहाँ अगर चाहे तो यहाँ कंपनी से नहीं बना सकता बाबा, गुंडों के इसी की तैसी कर बस, और कुछ नहीं कर सकता। और क्या तो दिखना रहा है, ये तुम्हें दिखना रहा है कुछ? अरे गुंडे खत्म कर दिए, टेनी का बेटा, ये मेरी बात सुनो, ये हाईवे कविता बनाओ भाई। अजय टेनी का बेटा जेल गए कि नहीं, उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं? जो राष्ट्र के लिए सोचेगा मैं उसके लिए हूँ। जो बात होती है वो बात होती है, जो एक बात का नहीं होता वो एक बाप का नहीं होता। आप लोग जब 400 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था तब खुश थे, या इस टाइम पे 1200 का मिल रहा है तब खुश हो? आप भाई बोल रहा हूँ, 400 के सिलेंडर मिलते थे, अभी क्या करते हो? बुक करते हो जाके सिलेंडर लेते थे, उस टाइम जब दिहाड़ी छोड़ के जाके लाइन में लगते थे, वो नहीं जोड़ रहे हो तुम? एक दिन अगर छुट्टी करते थे कितनी दिहाड़ी कटती थी? मैं जवाब दूंगा इसका, क्राइम 100% कोई भी गवर्नमेंट ने बोल रहा हूँ कोई भी नहीं खत्म कर सकता है क्राइम, पता है? हर एक आदमी के पीछे पुलिस नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, अपने अंदर भी तो होनी चाहिए ना भाई। अब मैं यहाँ पे हूँ, किसी को मार दूंगा,
हर मेरे पीछे पुलिस तो नहीं है ना, हर जगह इंसानियत को भी सोचनी चाहिए क्राइम करने से पहले। और कोई भी गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी 100% कोई भी क्राइम नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि हर एक आदमी के पीछे हर एक पुलिस नहीं रहेगा भाई। पर यहाँ पर बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, जो युवा है। कौन है बेरोजगारी, जो पूछो यहाँ पर कौन है बेरोजगार, आप बेरोजगार हो? कौन बेरोजगार? सेकंड बेरोजगारी के ऊपर मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। बेरोजगारी का भैया देखो ऐसा सिस्टम है, जैसी जिसकी पढ़ाई जैसी जिसकी क्षमता वैसा काम। हमारा लड़का एज बता पहले अपनी, मेरी पहले ये 19 साल का लड़का है, क्या करके आता है भाई? बैडमिंटन कोचिंग देता हूँ मैं। कितने रुपए कमाता है? 25,000 कमाता हूँ। 3 घंटे काम करके, 3 घंटे काम करके, ये देखो ये लग रहा है बैडमिंटन, बैडमिंटन कोचिंग दे के आ रहे हम। बैडमिंटन कोचिंग कौन कह रहा है काम नहीं है भैया? काम करने वाले बनो तो सही, काम करने लायक बनो तो सही। बताओ कहाँ ये काम, बताओ कहाँ ये काम, बताओ। आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी इसलिए जर्नलिज्म कर रहे हो ना? आपने जर्नलिज्म पढ़ाई करी है तभी तो आप जर्नलिज्म कर रहे हो। आप डॉक्टर की पढ़ाई करो आप डॉक्टर बनोगे? अखिलेश सरकार की नियुक्ति की हुई है इस पुल की। राहुल गांधी 22 साल से है ना, एक भाषण एक काम राहुल गांधी का अच्छा बता दे। तो राहुल गांधी सुनो, अरे भाई विपक्ष में रह के उसका कोई भाषण, विपक्ष में रह के कौन सा काम कर भाई? विपक्ष में रह के एक भाषण पार्लियामेंट में वो जो सही से बोल दे पप्पू, नहीं सुनने दोगे? राहुल गांधी की जात का पता कौन है? सबरे जाते हो बस। भारत के टुकड़े कब हुए? सरकार किसकी थी बताओ पहले? राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, एक मिनट को भाई दिल नहीं। जब भारत के दो टुकड़े हुए तो सरकार किसकी थी? राहुल कांग्रेस की सरकार हुई थी जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था, और तुम वो निकाल लेते हैं जोड़ो कौन लगा इस समय वोट होगा? खुले आम बोल सकता है ओबीसी, खुले आम बोल सकता है जब हमारी मोदी जी मठ में, योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चलेगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा? ओबीसी अखिलेश यादव सब या ओबीसी के भाई देखो क्या होता है भाई, जब सबने गठबंधन कर लिया, सबने गठबंधन किया, ओबीसी तो उस गठबंधन नहीं, उस ओबीसी नहीं है भाई, जब कुछ तो बात बंदे में होगी, बंदे में कुछ तो बात होगी, तब तो सारी पार्टी एक तरफ उसे हटाने में लगी पड़ी है, मोदी में कुछ तो बात होगी भाई। आप 70 साल की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, बहुत देर से बोल रहे हैं, 70 साल की आप बात कर रहे हैं। नेहरू का आपने नाम लिया, एक गलत, कई सारे गलत फैक्ट है। पहला गलत फैक्ट आपने कहा कि जब देश का बंटवारा हुआ तो सरकार कांग्रेस की थी। जब राम मंदिर का बताया आपको ये है, जब कांग्रेस की सरकार थी भाई। पहले चुनाव भाई, जब पहले चुनाव कब हुए मुझे वो तो नेता खुद में था, गांधी जी खुद में नेता थे, चुनाव होकर 1947 के बंटवारे नेता थे भाई, तब गांधी जी नेता थे, तब गांधी जी नेता थे, गांधी जी जय बता दो। आने वाले 24 में सब बात छोड़ो, जात पित धर्म पित सबको, 24 में आने वाले पे कौन है? नहीं 24 में आने वाला चंद्रशेखर आजाद। सुनो मेरी बात, राज में प्रदेश में या पावे मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको, आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी आएगा, राहुल गांधी ममता मैं प्रधानमंत्री बनाता हूँ, प्रधानमंत्री गिनाता हूँ, लालू यादव केजरीवाल ममता बनर्जी यादव राहुल गांधी, आप कह रहे प्रधानमंत्री बने, ये 26 पार्टी मिलके जो बना रही है गठबंधन, इसमें से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी अभी खोला नहीं है, अभी खोला नहीं है, जब ईवीएम में गड़बड़ी है तो क्या होगा? ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, अभी भंडा फोड़ नहीं रहा है ना, हम अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त नहीं है, अभी राहुल गांधी आएगा, राहुल गांधी अंधभक्त मोदी को जो बोलते हैं अंधभक्त है, वो मोदी को बोलते हैं वो अंधभक्त है। अच्छा अंधभक्त है, अंधभक्त है। देखो मैं बताता हूँ, हम भले ही अंधभक्त है, काम कर रहा है वो अगला, उसको दिया जाएगा। वोट पलटू राम को दोगे? पलटू राम को किसी का बुरा मत बोला, इन्हें जे पूछो मोदी जी किस कारण नहीं आएगा? बेरोजगारी इतनी फैल रखी है हिंदुस्तान में, बेरोजगारी देखो बेरोजगारी कितनी है पता है आपके लिए? बेरोजगारी कर्म करोगे कर्तव्य मिलेगा, मेहनत करोगे तो 50 नहीं तो ऊपर वाला या नीचे वाला, मेहनत करोगे 40 तो देगा, फल देगा,
अब तुम कहा घर बैठ गए। बाप जो करता ना बेटे के लिए अच्छा करता है, बाप जो करता ना बेटा अच्छा करता है। गवर्नमेंट बाप है, अगर आपकी आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं अच्छी बात है, आप उनके कामों से जो है वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये, अभी आप कह रहे हैं कि मोदी जी बाप हैं, ये कौन सी भाई गवर्नमेंट बाप ही होता, बाप होता अजब कौन चला रहा है, एक मिनट महाराज राजा ही होता है, राजा का हम बच्चे हैं। फिर तो आप गलत काम किए, आप सवाल भी नहीं कर सकते, फिर तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं होते, बाप जब गलत कर ही नहीं है तो सवाल कैसे पूछेंगे, जब हम शराब पिएंगे बाप पिएगा, अगर मैं पिएगा तब बाप के हम कह सकते हैं तू भी पीता है हम भी पीते हैं। पहले की सरकारें थी क्या वो बाप नहीं थी, फिर वो भी बाप हुई जब सरकारें बाप, जो चोर होते वो बाप नहीं होते, पहले सुन लो, जो चोर होते वो बाप नहीं होते, हम कह रहे हैं भाई 40% कमीशन का सरकार है, 50% कमीशन घोटाले में बताइए, सब पे छापा पड़ रहा है, सब लड़ाई मत करे, बात कर बात से करने के लिए। चाचा रुक रुक के बात करो, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बात मानते हैं आप, सब पे ईडी सी भी जांच करी जा रही है, सीबीआई जांच हो रही है, बीजेपी पे कितनी जांच हो रही है, नेतृत्व पे बताइए, बीजेपी के नेतृत्व पे कितनी जांच हो रही है, सब पे हो रही है, बिल्कुल नहीं हो, एक भी बताओ, एक बताओ ना, एक बताइए आप, एक बताइए, एक आप कह रहे हो पहले महंगाई नहीं थी, आप बताइए जब तुम कह रहे चोर, आपने कितना खरीद लिया, एक मिनट, महंगाई नहीं थी कांग्रेस में तो आपने क्या क्या खरीद लिया हमें बता दो, चोर महंगाई में हम बताते हैं, कांग्रेस के टाइम में इतने घोटाले हुए हैं कि तुम नाम भी नहीं बताओ, ये तुम्हारा टाइम नहीं था यहाँ देखने वाला, तुम कोई आज की डेट में 50% कमीशन की सरकार है ये, ठीक है आज से पहले आने का मौका नहीं।